जय हिंद दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं। आज मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूं खतरनाक जंगल हाटी, और अकेले ही जा रहा हूं। डर भी लग रहा है, लेकिन आप लोगों को घना जंगल का सैर कराने के लिए, तो वीडियो में बने रहना अंत तक। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कर देना, बेल आइकन को ऑन करना। तो चलो चलते हैं हाटी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हाथी के जंगल में, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। इस जंगल में जंगली जानवर जैसे शेर, चीता, भालू, हिरण, लकड़बग्घा, हाथी रहते हैं। यहां घूमने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि सभी को पता है यह जंगल बहुत ही खतरनाक है। गाइस, अब देखो हम जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। अब मुझे थोड़ी सी मुंह सूख भी रहा है, पानी भी नहीं रखा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कहीं पर पानी मिल जाए। तो ये ब्रिज के पास हूँ, अब देखो ये देख सकते हो ब्रिज, तो यहाँ से उतर नहीं सकता क्योंकि ये लोहा का ब्रिज है। अब देखते हैं आगे और क्या है, उसके बाद पानी पीने का अगर कहीं पर जगह होगा तो चलो आगे चलते हैं जंगल में। दोस्तों मुंह सूखने लगा है अब प्यास से। चलो और मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ, शायद कहीं और अच्छा जगह मिल जाए। अब लग रहे हैं शायद तक आगे पानी मिल सकता है हमें, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। आप लोगों के लिए रिस्क ले रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहना। देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस, गांव वाला कोई घूम रहा है जंगल में, वो दूर से आवाज लगा रहा है कि अभी जानवरों का चहल पहल है, आप जो है मत जाइए ऐसे करके। सुबह मैं 9 बजे चला था, और तकरीबन 5 घंटे का सफ़र करके 2 बज गए हैं, 2 से ऊपर बज हो रहा है, 2:15 तकरीबन हो रहा है। प्यास लगी है, आखिरकार मैं पहुँच ही गया। दोस्तों गांव वाले की चिल्लाने की आवाज़ तो आई, बोले हाथी या शेर की कोई भी जानवर हो सकता है, आने का संकेत है, आप जंगल में मत जाओ करके बोल रहे थे। फिर भी मैं आया हूँ तो कुछ आप लोगों को ब्लॉग में दिखा के जाऊँगा कि शायद कोई जानवर हमारे कैमरे में कैद हो जाए। चलो तो गाइस, मैं पानी पीने के बाद फिर से आप लोगों को करता हूँ, वीडियो में मिलता हूँ। अब मैं पानी पी लिया हूँ, जानवर की आवाज़ आ रही है शायद, तो गांव वाला भी बोल रहे हैं मत आना मत आना, अभी उधर ही रुके रहना। तो रुकते हैं थोड़ा सा, क्या है। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, गांव वाले जब तक संकेत नहीं देते तब तक कोई भी रिस्क लेना सही नहीं है, क्योंकि यहां पर आया अकेला हूं, कोई दोस्त नहीं है। कोई दोस्त अगर साथ में होता तो बात ही कुछ और थी।
इस जंगल में ना बहुत घूमते घूमते थक से गया हूँ अब तो। बहुत जोरों से प्यास लगी है तो फाइनली गाइस हम लोग को मिल ही गया ये अच्छा सा साफ पानी है, यहाँ पर हम लोग पी सकते हैं पानी। गांव वालों ने भी वापस आने के लिए मना किया है, जब तक संकेत नहीं देते हैं तब तक आप नहीं आना। अब रुकता हूँ थोड़ा सा, देखता हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। तो इन जंगली जानवरों से बचने का एक ही उपाय है, आप जो है अगर नदी के बीच में कोई पेड़ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो उस पेड़ पर चढ़ जाओ, तो फिर आप तक जानवर पहुंचने में थोड़ा सा कतराएगा, जाएगा नहीं जल्दी पानी में। अब लगभग एक घंटा से ऊपर हो गया है, जानवरों की आवाज़ अभी भी आ ही रही है, थोड़ा देर और इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे ज़्यादा दूर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, तकरीबन अब 1.5 घंटा से ऊपर हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं डर से इस पेड़ पर चढ़ा हुआ हूँ, कोई शौक से नहीं चढ़ा हूँ, ताकि मुझे गाँव वाले संकेत दें और इस पेड़ से उतर कर मैं अपनी मंजिल तक जाऊँ। कोशिश करूँगा, अगर हिम्मत जुटाऊँगा, अगर अंदर जा सकता हूँ तो। मैं आप लोग वीडियो में बने रहना, क्योंकि आप लोग को वीडियो में मज़ा आएगा इसे। अगर कोई जानवर आ जाता है तो मज़ा आएगा, उनका वीडियो कैप्चर करेंगे हम लोग। मैं ऐसे जगह खड़ा हूँ जहाँ पर नीचे पानी बह रही है, कितना अच्छा पानी है। तकरीबन अब 2 घंटा तकरीबन होने वाले हैं। गाइस क्या करूं, कुछ पता नहीं चल रहा है। उतर के जाऊं तो रिस्क है, गांव वाले ने बोला है कि जब तक मैं आवाज़ नहीं देता हूं तब तक आप नहीं आना, तो मुझे इंतज़ार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता मैं। आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो में नहीं बना सकता, क्योंकि आप लोग ऐसे देखकर बोर से हो जाएंगे, तो इसलिए मैं वीडियो को कट करके दिखा रहा हूँ। आज ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ। ऐसी ये आदत सी है, क्योंकि जब मैं आर्मी में हुआ करता था तब भी ऐसे घंटों ड्यूटी में रहते थे, तो ये कोई नई बात नहीं है।
साथ बने रहना वीडियो के अंत तक, इससे मुझे हिम्मत मिल रहा है। आप लोग मेरा हिम्मत बनाए रखना। जैसा कि देख पा रहे हो, मैं पूरी जंगल को कवर कर रहा हूँ। अभी भी जानवरों का शोरगुल सुनाई दे रहा है। चलो थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं। ऐसे अनजान जगह में नहीं जाना चाहिए, अनजान जगह बहुत ही ख़तरनाक होता है, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर साथ में दोस्त हो तो थोड़ा और हिम्मत बना रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अकेला ही आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। गाड़ी तो तकरीबन यहाँ से चार किलोमीटर या 5 किलोमीटर तकरीबन अंदर आ गया हूँ मैं। वहाँ पर गाड़ी को किसी घर में पार्क किया हूँ, मोटरसाइकिल से आया हूँ। तकरीबन मुझे जो है यहाँ पर आए हुए ढाई घंटा होने वाला है, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट फाइनली हो चुका। अब बोल रहे हैं थोड़ा सा और इंतज़ार करो, शायद यहाँ से जानवर आगे जंगल में गए। गांव वाला वहाँ से चिल्ला के बोल रहा है कि आप जो है थोड़ा सा और इंतज़ार करो, जानवर यहाँ से जा चुका है। फिर भी पानी पीने शायद वहाँ उधर नाला की तरफ भी जा सकता है, तो आप थोड़ा इंतज़ार करो, जल्दी नहीं करना। जहाँ इतना देर तक इंतज़ार किए वहाँ पर थोड़ा सा और समय ले लेते हैं। अब भूख भी लगा, खाने को भी कुछ नहीं है। सुबह ही चला था ऐसे 9 बजे से तो मैं वहाँ ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। पानी के अलावा कुछ भी नहीं। चलो थोड़ा भूखा रहूँगा तो खाने में मज़ा भी आएगा, स्वादिष्ट लगेगा। तो फाइनली दोस्तों, अब मुझे हो गया है 3 घंटा, और अब मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। शांत लग रहा है अभी तो, शांत लग रहा है, माहौल थोड़ा शांत है। तो चलो चलते हैं, अपना बैग पैक करें। तो आप लोग ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, प्यारा से कमेंट कर देना, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी रिस्क लेते रहूं। और आप लोगों को जंगल सफारी का दर्शन कराते रहूं, क्योंकि जंगल में जाना कोई आम बात नहीं है। जान को जोखिम में डालकर जंगल में आया हूं वीडियो बनाने, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं आगे ऐसी
इससे अच्छा अच्छा वीडियो बनाते रहूँ। आज तो खैर फिलहाल उतना अच्छा हमें सपोर्ट नहीं मिल पाया जानवरों का, मिलता तो शायद मैं वापस भी नहीं जाता क्योंकि आज झुंड था जानवरों का। तो वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। जय हिंद, वंदे मातरम।